जब भी कोई भी कंपनी का मोबाइल फोन हो, किसी भी कंपनी की एमएमसी हो, ठीक है, किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन हो और किसी भी कंपनी की ईएमसी हो, अगर आपने उसकी ईएमसी को बॉक्स के साथ कनेक्ट किया है, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी है हमेशा, मतलब कि 100% वो चीज़ चेक करनी ही करनी है, स्किप नहीं करना है। अगर आपने इस चीज़ को स्किप किया ना, तो आपका मोबाइल फोन स्किप हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे जो चीज़ चेक करनी है, वो चीज़ चेक करनी है पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन। दिख रहा है यहाँ पे ये 0x48, इसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, बूट पार्टीशन 1 इज इनेबल फॉर बूट। क्या हुआ इसका मतलब? तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो बूट 1 वाला पार्टीशन है, जो आपकी ईएमसी के अंदर लिखा हुआ है ना, बूट 1, बूट 2, यूजर एरिया, उसके अंदर से जो बूट 1 है ना, वो आगे आ रहा है बूटिंग के लिए। ठीक है, जैसे आप मोबाइल फोन पे पावर बटन दबा रहे हो, तो पावर बटन दबाने के बाद क्या होता है, लोगो आ रहा है ना, जो लोगो आ रहा है ना, वो इसकी वजह से आ रहा है, बूट वन की वजह से। अगर बूट वन ही खराब होगा तो मोबाइल फोन पे लोगो भी नहीं आएगा। ठीक है, अब जो ये बूट वन आएगा, इसको डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा पार्टीशन आगे आएगा? ठीक है, इसको डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा पार्टीशन है जिसे आगे आना है बूटिंग के लिए? तो वो डिसाइड करेगा हमारा सीपीयू। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? सीपीयू। जैसे कि अगर मेरे मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का सीपीयू लगा है, कौन सी कंपनी का? मीडियाटेक, तो उसके अंदर हमेशा ही बूट वन आएगा आगे। ठीक है, एसपीडी लगा है तो बूट 2, और क्वालकॉम लगाया है तो यूजर एरिया। ठीक है, मीडिया टेक होगा तो बूट 1, एसपीडी होगा तो बूट 2, क्वालकॉम होगा तो यूजर एरिया। ठीक, जब मैं ईएमसी उतारूंगा, साथ में सीपीयू भी लगा होगा, एक बार नजर वहां भी दौड़ा लेना कि कौन सा है वो, मीडिया टेक है, स्पीड्रम है या क्वालकॉम है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे अभी देखने को मिल रहा है मुझे, बूट 1 इज इनेबल फॉर बूट। अगर ये खराब हुआ, ठीक है, अगर ये चीज खराब हुई, तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा डिवाइस नॉट बूट इनेबल्ड। इस तरीके से देखो, मैं भी आइडेंटिफाई कर रहा हूं, क्या आ रहा है अब, डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल्ड, मतलब कि जब लोगो आना था ना, वो लोगो भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ईएमसी को यही नहीं पता कि कौन सा पार्टीशन आ गया है लोगो के लिए। लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई इन तीनों के अंदर, नहीं वो कह रहा है मैं जाऊंगा, नहीं कह रहा वो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो उस लड़ाई से बचने के लिए ना, जो सीपीयू उसने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि भाई अगर मीडिया टेक है ना, तो बूट 1 आगे जाएगा, एसपीडी है तो बूट 2 जाएगा, क्वालकॉम होगा तो यूजर एरिया जाएगा। तो पहली दिक्कत हमेशा यही कंफर्म करनी है कि आपके पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है, कोई चीज खराब तो नहीं है। इस तरीके से अगर आ रहा है डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल्ड, मतलब खराब कंडीशन में, पहली चीज। दूसरी जो चीज आपको चेक करनी है, वो चेक करनी है एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन। दिख रहा है ना यहाँ पे, एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है? ये आपके मॉडल नंबर, कौन से मॉडल में ये ईएमसी लगी है, जिस फोन में से आपने उतारी है, क्या उसके मॉडल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको? तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे ये दिखाई ना दे रही होती, बाई चांस कोई सी एमसी आपने कनेक्ट करी, कनेक्ट करने के बाद आपने देखा कि जो इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये भी ठीक है, हेल्थ चेक कर ली वो भी ठीक है, नैन टेस्ट किया वो भी ठीक है, लेकिन मोबाइल फ़ोन चालू नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या आपने उसका एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन देखा? इन केस वहाँ पे मॉडल नंबर की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, आपने जो ईएमसी उतारी है, उतारने के बाद सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना होगा? फ्लैशिंग करनी होगी। ठीक है,
क्या कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दिख रहा है फैक्ट्री इमेज, फैक्ट्री इमेज के ऊपर जाना है मुझे, और जिस भी कंपनी का सीपीयू है मेरे पास, जैसे मैंने बताया मीडियाटेक, स्पीड्रम, क्वालकॉम, तो मीडियाटेक है तो मैंने उसके अंदर बताया ना आपको एक फाइल स्कैटर नाम से एक फाइल आएगी, एंड्रॉइड स्कैटर, अभी इससे पहले भी लिखवाया था जो मैंने, ठीक है, उसकी फाइल को मुझे यहां से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां से क्या करना है, राइट। फाइल कहां पे मिलेगी? तो जो भी आपका मॉडल है उस मॉडल को बस आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, आगे लिख देना है फ्लैश फाइल, ठीक है। एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा ढूंढने की टेंशन नहीं होगी, वन क्लिक करोगे फाइल आपके सामने, ठीक। लेकिन आगे तो सबसे पहले देख लिया हमने, दो चीज़ चेक कर ली, पहली पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन, तीसरी जो चीज़ चेक करनी है वो करनी है हमें हेल्थ, ठीक है, हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 0 to 10, 0 to 10, ये भी ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, मतलब कोई भी काम करेंगे उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से नैन टेस्ट, तो ये भी क्या है हमारी, ठीक है। तो अब इसका एक फाइनल डिसीजन ये बनता है कि आपके ईएमसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपके मोबाइल फोन के अंदर दिक्कत है, चाहे वो लोगों से रिलेटेड है, चाहे वो डेड कंडीशन में है, वो आपके हार्डवेयर का इश्यू है, ना कि ईएमसी या कोई सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो चार चीज आपको हमेशा चेक करनी है, दोबारा एक बार रिवाइज करा रहा हूं। पहली पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल, ये चीज, दूसरी एंड्रॉयड की इंफॉर्मेशन, तीसरी हेल्थ, और चौथी नैन टेस्ट, ठीक है। कोई भी ईएमसी आ जाए आपके पास, किसी भी फोन का आ जाए, आपको यही चार चीज चेक करनी है बस, ठीक। अब क्या है, अब यहां पे मैंने पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मुझे यहां पे दिक्कत दिख रही है, कैसे रिपेयर करेंगे? तो उसको रिपेयर करने का ना सबसे आसान सा तरीका बता रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कौन सी कंपनी का सीपीयू मेरे मोबाइल फोन के अंदर? मीडियाटेक। बिल्कुल यहां पे आ जाएंगे, ये सीएसडी दिख रहा है ना, इसके बगल में देखो ये दिख रहा है सन, क्लिक करेंगे और यहां पे क्या दिख रहा है, मीडियाटेक। बस एक बार क्लिक कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, देखते डन। फिर आइडेंटिफाई करता हूं मैं, हो गई ठीक, क्या आ गया, बूट वन आया, बूट वन, ठीक है। तो जब भी छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आपको इतना बड़ा ट्रबल क्रिएट नहीं करना, बस वन क्लिक करना है, खत्म। कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे मेहनत मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसी छोटी प्रॉब्लम को ठीक करने के। एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका यहाँ पे है, जब मैं देखूंगा यहाँ पे देख रहे हैं बूट पार्टीशन, ठीक है, क्लिक करूंगा, कौन सा पार्टीशन आ गया है अगर मुझे याद है तो, बूट वन, क्लिक किया और यहाँ से राइट पार्टीशन, ठीक है। तीसरा तरीका, जब मैं डम फाइल का बैकअप ले रहा हूँ तो उसके अंदर भी एक डी सी एस डी वाली फाइल होती है ना, उस फाइल को सिलेक्ट करके मैं फ्लैश कर दूँ, यहाँ से सिलेक्ट करूँ और यहाँ से राइट कर दूँ उसको, तब भी रिपेयर हो जाएगी। मतलब एक छोटे से काम को रिपेयर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ये तो जनरल तरीका हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। हमने देख लिया पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन की दिक्कत थी, उसको रिपेयर कर दिए। एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, मतलब मुझे उस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या करना है, फ्लैश करना है। फ्लैशिंग करने के लिए फैक्ट्री इमेज, वही जो भी मेरा सीपीयू उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से राइट करना है। अब अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे ईएमसी के अंदर हेल्थ का कोई इशू है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे ईएमसी के अंदर जो यहाँ पे हेल्थ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 20 to 30%, एसएलसी 20 to 30%, एमएलसी भी 20 to 30%, तो उस कंडीशन में मैं उसको कैसे रिपेयर करूँगा, कोई आइडिया? ईएमसी पार्टीशन, ठीक है, ईएमसी पार्टीशनिंग के ऊपर जाएंगे, ठीक। इसके बाद
ये वाला जो मेथड है ना, ये सैमसंग EMC के अंदर यूज नहीं होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके मोबाइल फोन के अंदर SLC MLC मतलब हेल्थ खराब है, ठीक है, उस कंडीशन में अगर आपको हेल्थ रिपेयर करनी है तो आपको ये भी देखना है कि जो आपकी EMMC है वो कौन से कंपनी की है। तो यहाँ पे कौन से कंपनी की है? सैमसंग की। तो जब भी आपको सैमसंग EMMC की हेल्थ को रिपेयर करना है तो वही डंप और EFS का बैकअप तो हमेशा लेना ही है आपको। बैकअप लेने के बाद यहाँ पे दिख रहा है स्पेशल टास्क, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है मूवी एंड EMMC फुल रीसेट RPM भी दिख रहा है ना यहाँ पे, मूवी एंड EMMC फुल रीसेट RPM भी, इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी आपके लेटेस्ट क्वालकॉम बेस्ड डिवाइस हैं जिसके अंदर क्वालकॉम की IC लगी हुई है, ओप्पो वीवो रियलमी के अंदर, उसके अंदर इस काम को अंजाम नहीं देना है। ठीक है, जिसके अंदर क्वालकॉम है, मीडियाटेक लगी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइनोस लगी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, SPD है कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वालकॉम बेस्ड मोबाइल फोन के अंदर लेटेस्ट मॉडल के अंदर आप ये करते हो तो मोबाइल फोन दोबारा जिंदा नहीं होगा। ठीक है, गांठ बांध के डाल लेना इसको अपने दिमाग के अंदर कि अगर आप किसी भी लेटेस्ट मॉडल के अंदर, जिसके अंदर चाहे वो ओप्पो हो चाहे वीवो हो चाहे रियलमी हो, उसके अंदर अगर क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा CPU? क्वालकॉम का, तो आपको उस मोबाइल फोन का RPM भी क्लीन नहीं करना है। अगर आपने कर दिया तो मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उसका SOC जो उसका CPU है ना, आपकी EMMC को आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा याद रखना। ये जो मेथड है, इस मेथड को तभी यूज करना है जब आपके मोबाइल फोन के अंदर MediaTek की IC लगी हुई है, CPU लगा हुआ है, SPD लगी हुई है, जाइनोस लगा हुआ है, ही सिलिकॉन है, कोई टेंशन नहीं, कर दो कितनी बार भी करो कोई। हाँ हाँ कोई सुधार नहीं सकते, एक बार हो गया तो हो गया। यहाँ पे एक चीज याद रखना, कुछ मॉडल कुछ ब्रांड बताए मैंने आपको, ओप्पो वीवो रियलमी, रेडमी नहीं बताया मैंने, इस चीज को याद रखना, ओप्पो वीवो रियलमी। रेडमी के लिए तो अलग जुगाड़ है ही ना, रेडमी में जो आप कह रहे हो ना गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, हो जाएगा फिर भी। फिर तो आपने काम ही खत्म कर दिया ना सारा, टेंशन ही खत्म कर दी, सेव कर दिया, टेंशन ही खत्म हो गई उसकी। तो देखो, जब भी आपको RPM भी मतलब कि मान लेते आपके पास एक मोबाइल फोन आ गया ओप्पो A3s एग्जाम्पल के लिए, आपने देखा उसकी हेल्थ है 40-50%, ठीक है, क्वालकॉम लगा हुआ है उसके अंदर, तो उस टाइम पे आपको RPM भी क्लीन नहीं करना है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्या कर सकती हो, पूरा पूरा बैकअप ले लो, EMC को इरेज कर दो, नैन टेस्ट कर लो, ब्लैंक चेक कर लो, और जो चीज़ आपने रीड करी थी ना वही चीज़ दोबारा राइट कर दो, देखो मोबाइल फ़ोन चालू हुआ है नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्वालकॉम के अंदर, ओप्पो वीवो रियलमी के अंदर हेल्थ खराब है ना, तब भी आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 100% नहीं कह सकते उसके अंदर कि चालू होगा। ठीक, मतलब 60-70% प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो मोबाइल फोन है ना हेल्थ डैमेज होने के बाद भी चूर्ण देने से काम करेगा। ठीक, कैसे? तो नॉर्मली जब भी आपके पास EMC आएंगे तो यहाँ से फैक्ट्री रीसेट, उसके बाद इरेज, उसके बाद जो चीज़ आपने रीड करी है ना वही सेम चीज़ राइट कर दो, लाइफ नहीं होगी लेकिन मोबाइल फोन की। आप सोचो कि मोबाइल फोन आपने कस्टमर को दिया और वो साल भर 2 साल भर चले, नहीं, हो सकता है आज आपने रिपेयर करके दिया कल ही वापिस आ जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर क्वालकॉम के सिवा और कोई है MediaTek Zynos, कोई टेंशन नहीं, आंख बंद करके कर दो, 10 बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
कॉपी कर लिया था उसका, खराब हुआ तो नया अगर सीपीयू लगाएंगे तो उसको जो आपका एसओसी जो सीपीयू है ना उसकी परमिशन नहीं देता, उसको ब्लॉक कर रखा है अभी। स्वैप होगा वो, ओप्पो वीवो रियलमी के अंदर बस। तो नया सीपीयू नहीं है। हाँ, ओप्पो वीवो रियलमी के अंदर अगर ये क्वालकॉम बेस्ड है और वो खराब हो गया तो आपको जो मैंने सॉल्यूशन बताया ना, एक तो ये कर सकते हो, नहीं तो सीपीयू एमसी दोनों स्वैप कर सकते हो न्यू। एमआई के अंदर अगर खराब है कुछ भी है, सीपीयू एमसी दोनों ही खराब हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये खास ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि मोबाइल फोन ना एक बार कस्टमर से आपने ले लिया ना तो रिपेयर नहीं होने वाला अगर आपने उसका आरपीएम भी क्लीन कर दिए। ठीक है, लेकिन जो हेल्थ रिपेयर होगा ना वो होगा इसी तरीके से। ठीक, मूविन एंड ईएमसी फुल रीसेट, मीडिया टेक हो, जाइनोस हो, ठीक है, या एसपीडी हो, कोई भी हो, ध्यान देने का है। ठीक है, आज वीडियो देख, लैंग्वेज इश्यू, वीडियो देने का बेनिफिट तभी है ना जब आप उसको सुनो। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि क्वालकॉम बेस्ड के अंदर आपको नहीं करना है, और चाहे कोई भी सीपीयू आप उसके अंदर कर सकते हो। सैमसंग ईएमसी को छोड़कर अगर आपकी कोई सैमसंग की ईएमसी नहीं है, मान लेते हैं सैंडिक्स है, माइक्रोन है या तोशीबा है, उसके अंदर अगर आपको ईएमसी की हेल्थ रिपेयर करनी है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना है, हमें ईएमसी पार्टिशनिंग के ऊपर जाना है। यूजर एरिया जीपी वन, जीपी टू, जीपी थ्री, जीपी फोर दिख रहा है, सब पे क्लिक कर दो और यहाँ से हमें कर देना है राइट पार्टीशन सेटिंग। ठीक है, उसके बाद जो आपने रीड करके रखा हुआ है डंप और ईएफएस सेम एज इट इज आपको दोबारा राइट करना है और कुछ नहीं करना उसके अंदर। ये लो मैं कर देता हूँ, देखो अभी क्या होगा। देखो क्या लिखा है, Cannot set right reality parameters, right select certain device is read only. ठीक है, राइटिंग परमिशन दे ही नहीं रहा हमें ना, रीड ओनली में है ये, तो आप कितनी बार भी करो कुछ नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जो मास्टर बनना चाहते हैं ना वो आज यूएफआई शाम को ना लेके जाए और कल से मेरे साथ मास्टर वाली दौड़ में जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि काम आपको आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। ठीक है, जितना डिले करोगे उतना नुकसान है आपके पास। प्रैक्टिस सेशन कल से हम लोग कल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितना हो सकेगा इस पर अडेप्टर अलग से मिलेगा। कोई नहीं, चले जाना आज, तो कराओ ना, क्या तीन दिन से बारिश हो रही है सर। एक काम करता हूँ, आज मैं आप लोगों की क्लास ना 5:30 बजे ओवर करता हूँ, उसके बाद मिल जाएगा ना लैपटॉप। अरे कोई बात नहीं यार, आप लोगों को ही सुनना है, कोई टेंशन नहीं है।